हेलो जी, राम राम जी। हमारा यूट्यूब चैनल में नया वीडियो में तो आप सबको स्वागत है। नई कॉटन के साथ है तो यह भी हमारा ऑर्डर कोई चलेंगो। लहंगा की लंबाई वो 41.5 है और कमर 40 इंच है। तो यह 5 मीटर कपड़ो है अपनों, है ना। 5 मीटर कपड़ो दिया जाए और 2 मीटर यह लिया जाए वो पट्टा के लिए। तो मैं पट्टा ही कटिंग कर ली मैं पहले। तो पट्टा कटिंग देखो वही 9.5 इंच चौड़ाई तो और लंबाई 2 मीटर कपड़ा की जो पूरी है, क्योंकि 5 मीटर कपड़ा में 2 मीटर पूरा लाग जाओ तो बिल्कुल भी कौन बचे मसु, है ना। तो यह 5 बार फोल्ड कर रखी जो इन 5 पैना से देख लेते 1 2 3 4 5 5 है ना। 5 पैना फोल्ड जाए तो इन 3 बार फोल्ड कर देना। तो ये पैना की लंबाई बताऊँ देख ले थान में 38 इंच चाहे लहंगा की लंबाई आप 39 इंच कर लीजिए, है ना। तो ये 3 बार फोल्ड कर ली इनमें इन तरीका सो। हाँ इनको फोल्ड कर लिया ना। और आप आएगी कमर की निशान लगाऊंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच का अंडी लगा दूंगा। और फिर यह कटिंग कर ली मैं फरी की, ये निशान लगा दी तो सारी कढ़ाई की कटिंग कर ले रही हूँ। 30 कली बना ली मैं अपना, देखिए 30 कली जा फिर की कटिंग कर रही थी मैं। और सारी कढ़ाई ना अलग कर देना फिर देखो यहाँ कढ़ाई की कटिंग कर लिया ना पूरा दूसरा साइड दूसरी भी अलग कर लेना कढ़ाई में। देखो यहाँ उनकी कढ़ी भी अलग कर दी ना, तो सारी कढ़ाई नहीं है अलग कर लेंगे। तो फिर आप लेंगे कि पूरी कटिंग हो जाओ ली पट्टा की करी रखी जुमा या पट्टो लगाऊ लगे 4 इंच को। तो आप रलेंगे कि पूरी कटिंग होगी या पट्टो भी निकाल दीजिए मैं पहली 5 इंच चौड़ हो रही है। तो आप पूरा लहंगा की कटिंग होगी। अब सिलाई बताऊंगी, सिलाई को डिटेल जी पूरा ना समझ पूछ सको जो तो मैं। तो देखो ये कड़िया जोड़ ले ला, यह भी 30 ही कड़िया को लेंगे चाह अपना वही लंगाई लंबाई च ना 41.5 इंच से लहंगा की एक जनी का 3-4 लहंगा ऑर्डर पई है। तो ये आवनी का सारी कड़िया की सिलाई कर लू ली मैं एक बार, है ना। 30 कड़िया चा तो ये आवनी का जोड़ ले ला एक बार आप सारी कड़िया ना। देखो ये आवनी का सिलाई कर रही चू मैं कड़िया की, पहली तो देखो मैं 2-2 कली जोड़ ली चू, फिर 2 ने 2-2 जुड़ी चे जन 4-4 हो जाओ चे, फिर 4-4 फिर 8-8 कली हो जाओ चे। ये तरीका सो मैं कड़िया की सिलाई कर ली चू पूरी, है ना। उनके एक साथ जोड़ा जा पहली कलाई की सिलाई कर लिया जा और कलाई की सिलाई कर फिर नेको लगाऊँ जा पट्टो बाद में लागे जा। तो एक बार सारी कलाई की सिलाई कर ली चूँ मैं, तो थान पूरा वीडियो बता रही चूँ मैं। अगर फिर भी ना समझ में आओ तो पूछ सको जो दे। अभी यार लास्ट कड़ी में रहू ना पहना नेफा की तरफ भी ना थोड़ी थोड़ी सिलाई कर लिया जा नेको लगाओ जंडी सो और नेफा ने भी तैयार कर लिया जा आप, है ना। नेफा ने भी तैयार कर लिया जब लहंगा का अटैच कर दिया जा नेफा ने आवनी का। देखो मैं यहाँ अटैच कर सिलाई कर रही चू यहाँ, तो पूरा की सिलाई कर लिया जा आप, फिर नेफा ने फोल्ड कर सिलाई कर लूँगी मैं, फिर पट्टो तैयार करा ला। नेफो तैयारी बाद में अक्सार कर रही ना, तो पट्टो तैयार कर रही चू मैं इन्हें जोड़ ले ला सारा ना आवनी का जोड़ रही चू मैं इन्हें। तो सारी जोड़ ली लिया ने पट्टिया ने, क्यों इन बुकरम से ला ला वा बुकरम वाला पट्टो जे आपने या। तो देखो इन बीच में बुकरम रखकर सिलाई कर दूंगी पूरा पट्टा की आवनी का, पूरा पट्टा की सिलाई करू लिया। पूरा पट्टा की यहाँ उनकी सिलाई हो लेगी ये तरीका सो।
तो यह पूरा पट्ट तैयार कर रहे और ये लहंगा जोड़ दे लाइना आप जोड़ सिलाई कर दे लेगा ऊपर रखकर सिलाई कर लो बाद में ऊपर ले सब लगाऊ ला पा देखो पट्टा को ऊपर लेस लगा दे ला पा ना दो सिलाई हो ले पा तो देखो ये मैं ये गोटो लगा रही थी मैं बारीक पे एक ही सिलाई उली तो पूरी पे लगा ले जा भाई को सिलाई कर रही थी गोटो आएगा तो समोसा लेस लगा रही थी मैं सिलाई कर ली तो नीचे पट्टा का ऊपर भी लगा रही थी लेस में समोसा तो सिलाई कर ली फिर नेफक ले भी दो ही सिलाई करनी था एक कर लास्ट कड़ी की सिलाई कर बन तैयार हो गया तो देखो ये लास्ट कड़ी जोड़ रही चुन देख लो यहाँ ये सिलाई कर लेना लास्ट कड़ी की तो आप लेंगे बन जा बने बाद बताऊँ लिखा शोक बन रहा तैयार हो जाए तो देखो यहाँ को बन रहा तैयारी हो जाए अपना पूरा लेंगो बहुत सुंदर बन रहा तैयारी हो जाए थान कैसे ओके लगे वो कमेंट कर जरूर बता जो हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए रियो ऑर्डर कोई लेंगो जो मेरो जरूर सब्सक्राइब कर जो भी नया जुड़े हमारे चैनल ने तो यहाँ को बने लेंगो